हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन। आई एम ऋचा तापड़िया और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब में हमने कंपैरिजन भी देखा था। अब हमारा उसका एक टॉपिक बच गया जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा, तो अब हम देखने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस तो हमने देख लिया क्या होता है, लेकिन अब बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड कैसे किया गया है इन थ्री पार्ट्स, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो विल स्टार्ट रीडिंग दिस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? व्हेन वी से वी एक्सचेंज द कमोडिटी और सर्विस, राइट? जब हम कोई कमोडिटी या फिर सर्विस को एक्सचेंज करते हैं एंड इन रिटर्न वी गेट समथिंग बैक, तो उस केस के अंदर उसे क्या बोला जाएगा? ट्रेड। जैसे यहाँ लिखा है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड। जब भी हम किसी के साथ परचेज सेल करते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रेडिंग। आपके एकदम इजी लैंग्वेज में परचेज एंड सेलिंग को बोला जाएगा ट्रेड। जिसे आप सेल कर रहे हो उससे आप कुछ ना कुछ रिटर्न में लोगे, क्लियर? तो जब हम बोलते हैं कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता, सिर्फ मैंने परचेज किया और सेल कर दिया, तो उसे बोला जाएगा ट्रेड, क्लियर? नाउ अब सम कैरेक्टरिस्टिक्स का गिवन हम देख लेते क्या क्या है। लीगल एक्टिविटी, ऑब्वियसली ट्रेड करना कुछ इलीगल नहीं, इट्स अ लीगल एक्टिविटी। एक्सचेंज इज इसेंशियल, एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा ना। सिर्फ मैंने अगर गुड्स दे दिए तो क्या उसे ट्रेडिंग बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, उसे हम ट्रेड नहीं बोल सकते। तो इसीलिए अगर मैं गुड्स दे रही हूँ तो मैं भी उससे कुछ ना कुछ लूंगी, दैट इज एक्सचेंज। देन टू पार्टीज इसमें इंपॉर्टेंट है, परचेज एंड सेलर। परचेज और सेलर दोनों होने चाहिए जब भी एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस एक्टिविटी, क्या ट्रेडिंग हम एक बार ही करेंगे तो क्या उसे ट्रेड बोला जाएगा? नहीं। जैसे मैंने बिजनेस के अंदर दिया था आपको एग्जांपल कि हम मैंने एक बिस्किट्स दैट इज कुकीज मैंने बनाए और मैंने सेल किए एक बार, तो क्या उसे बोला जाएगा बिजनेस? नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग भी उसे नहीं बोलाएगा। जब हम उसे कंटिन्यूअस प्रोसेस में करेंगे देन इट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्यों? क्योंकि मैं क्यों कर रही हूँ? फॉर अर्निंग द मॉनिटरी कंसिडरेशन। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ऑब्वियसली बात है जो गुड्स मेरे पास थे अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो क्या हो गया? मैंने मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। आप कोई भी शॉप पे जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, वॉच परचेज करने जा रहे हो आप, तो उस केस के अंदर जब आप वो परचेज करते हो तो उसका ओनरशिप कौन हो गया? आप हो गया, क्योंकि आपने उसे परचेज कर लिया, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वैल्यू डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ भी चीज अगर हम परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज भी लेते हैं तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? मनी के अंदर, जब भी तो हम उसका कंसिडरेशन मनी देते हैं, कोई और चीज में तो नहीं देते ना, क्योंकि उसे पहले किसके अंदर काउंट किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा मनी के अंदर। मनी के अंदर की अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो इसकी वैल्यू इतनी है, मैंने ये गुड्स क्रिएट किए हैं तो कितना मेरा कॉस्ट लगा, हम मनी के अंदर ही देखते हैं ना, इसीलिए इसे बोला है कि मनी के अंदर ही इसका डिटरमिनेशन किया जाए। लास्ट इज गुड्स और अमाउंट इज पेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब गुड्स एक्सचेंज होते तो आपको पता है ना पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, तो उस केस के अंदर गुड्स अगर मैं दे रही हूँ तो मैं भी क्या लेती थी? उसे गुड्स ले लेती थी। बट उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए कि अगर मेरे पास क्लोदिंग है तो मैं तो क्लोदिंग एक्सचेंज करना चाहती हूँ, बट सामने वाले पर्सन को क्लोदिंग चाहिए या नहीं, राइट? अब क्लोदिंग के बदले हम लोग के पास राइस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसका भी डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता था, राइट? उसका अच्छे से एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट प्रॉब्लम इश्यूज होते थे। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए और उसके बाद हमारा मनी एक्सचेंज सिस्टम। तो वो वही बोल रहा है कि गुड्स अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स को वापस आप गुड्स से ही एक्सचेंज कर सकते हो और आइदर इन मनी। तो दैट इज व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रेड। सो नाउ मेमोरी टेक्निक इसके अंदर मैंने बनाई है, लेट सी अनुपमा और टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। बोलोगे अनुपमा तो पता ही होगा, आई थिंक मैंने अनुपमा क्यों लिया, बहुत ट्रेंडिंग सीरियल चल रहा है घर पे, सबकी मम्मा ये देखती होगी, आई थिंक सो, है ना? 80% मम्मास तो ये सीरियल देखती है, अनुपमा जो स्टार प्लस आता है। तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक हो गया कि यार ये सीरियल का नाम ही लिख देते हैं तो सबको याद भी रहेगा, क्लियर? अगर आप लोग को नहीं पता हो तो मम्मा से पूछना, मम्मी ये कौन सा सीरियल है, तो मम्मी बताएगी, ठीक है? सो लेट, लेट में हम देखते हैं LET। तो इसके अंदर हमारे ये जो थ्री पॉइंट्स कवर हो गए,
लीगल एक्टिविटी, एक्सचेंज एंड टी इज फॉर टू पार्टीज। सी में कंटिन्यूअस एक्टिविटी, अनुपमा में ए कैप्स में है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन टीवी दैट इज टीवी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड वैल्यू डिटरमाइंड एंड लास्ट इज फॉर एंटरटेनमेंट दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो जो भी कैप्स में मैंने लिखा है वो आपके पॉइंट्स को डिटरमाइन करता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड। नाउ देयर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड दैट इज इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल ट्रेड तो हम क्या बोलते हैं, जब हम कोई ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, जब मैं इंडिया के अंदर ही यहाँ के रीजन के अंदर ही क्या कर रही हूँ, ट्रेड कर रही हूँ, दैट इज परचेज एंड सेल कर रही हूँ, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल दिए, ट्रेडर ऑफ नागपुर सेंड ऑरेंजेस टू राजकोट। तो अब नागपुर से अगर राजकोट में ऑरेंजेस जाते हैं तो है तो कंट्री के अंदर ही ना दोनों, तो उस केस के अंदर ये क्या बोला जाएगा, इसे इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। गुजरात से महाराष्ट्र अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी वो इंटरनल हुआ। तो जब हम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रही हूँ, सर्विसेज कर रही हूँ, सो दैट इज इंटरनल। और वही चीज अगर इंटरनेशनल की बात आ गई तो इसमें क्या होगा, ट्रेडिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अब यहाँ इंडिया के बाहर हो गया, ठीक है, कि इंडिया के बाहर अगर मैं फ्रांस में बोलूं, ब्राजील, यूएसए, कहीं भी अगर हमारा इंटरेक्शन हो रहा है विद ट्रेडिंग, तो उस केस में उसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग बोला जाएगा। क्लियर? अब इसके अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट थ्री डिटरमाइन किए गए हैं टाइप्स इसके। इंपोर्ट क्या हो गया, जब मैं कोई बाहर की कंट्री से क्या कर रही हूँ, गुड्स को परचेज कर रही हूँ, राइट। अगर मैंने गुड्स परचेज किए, कहाँ से किए मैंने, ब्राजील से कर लिए, तो दैट इज इंपोर्ट। अगर वही चीज मैं बोल रही हूँ कि मैं इंडिया के बाहर अगर किसी को गुड्स सोल्ड कर रही हूँ, किसको सोल्ड कर रही हूँ, मैंने फ्रांस में सोल्ड कर दिए, तो दैट इज एक्सपोर्ट। जब हम सेल करते तो एक्सपोर्ट हो गया, जब हम परचेज करें तो इम्पोर्ट हो गया। एंड लास्ट इज री एक्सपोर्ट। अब री एक्सपोर्ट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जब हमने परचेज किया, इंडिया ने समझ लो परचेज करा यूएस, वही गुड्स मैंने क्या कर दिया, ब्राजील में सोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, री एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया में यूज नहीं हुआ उस गुड्स का, इम्पोर्ट करके हमने दूसरी कंट्री में सोल्ड कर दिया, that is called the re-export of goods. Clear? Now next is commerce. अब trade का थोड़ा सा हम बोलेंगे आगे wider term है, that is commerce. Trading के अंदर से purchase sale था, लेकिन जब commerce आया तो इसके अंदर क्या हो गई, other services आ गई, जिसे हम बोलते हैं auxiliaries to trade, जो हम बोलते हैं कि trade के अंदर helpful होता है, trade को और बहुत smoothly चलाने के लिए जो services दी जाती है, that are included in commerce. That are called the auxiliaries to trade. It means trade and auxiliary services. These services include the service of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agents. So ये सब बहुत सारी services हमें भी पता है कि हम trading करते हैं तो ये सारी services हमें चाहिए, right? तो ये services helpful है हमें, तो उस केस के अंदर इसे क्या बोला जाएगा, that is commerce. Commerce include trade and auxiliaries to trade. Now some characteristics are given of commerce. That is, first one, trade part of commerce. अब trade एक part of commerce का हमने देखा कि commerce includes trade and auxiliaries to trade. So that is right that trade includes the commerce. Then next is economic activity. अब ये economic activity तो है ही, क्यों, क्योंकि ये सारी जो services है, auxiliary service, ये भी क्या है, free में तो दी नहीं जाएगी, इससे भी क्या होगा, earning होगी, so that is economic activity. नेक्स्ट इट इज फेयर प्राइस। और फेयर प्राइस क्या होता है समझ नहीं आ रहा, फेयर प्राइस इन्होंने इस सेंस में दिया इसे कि जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी जाती है, इंश्योरेंस, तो जब ये सब चीजें कोई गुड्स पे होती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगी। तो अगर ये सर्विसेज एक रीजनेबल प्राइस में दी जाएगी तो क्या होगा, गुड्स भी अवेलेबल होगा फेयर प्राइस पे। तो वही चीज वो बोल रहा है कि एक फेयर प्राइस क्रिएट कर सकता है अगर रीजनेबल प्राइस क्रिएट हो तो। देन इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अब टाइम और प्लेस यूटिलिटी कैसे इंक्रीजेस हो गई, जो हमने देखा, क्यों, क्योंकि टाइम और प्लेस हम बोलते हैं कि सही टाइम पे सही जगह पे डिलीवर होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, ये सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी जा रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज दी जा रही है, इसी इन्हीं के थ्रू तो हम कर पा रहे हैं ना, कि सही टाइम पे जहाँ पे गुड्स की रिक्वायरमेंट है हम दे पा रहे हैं, तो इट क्रिएट द टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देन डिमांड ओरिएंटेड। अब ये सर्विसेज में डिमांड के अकॉर्डिंग चलती है, डिमांड होती है नो डाउट, बट इंक्रीज हो रही है कितनी या नहीं वो डिपेंड करता है कि कैसे कस्टमर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि ये भी एक डिमांड ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज क्रिएट होती है। एंड लास्ट इज ऑक्जिलरी सर्विसेज। इस सब कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है,
ऑक्सिलरी सर्विसेज इंक्लूड करता है जो हमने डेफिनेशन में देखा. नाउ मेमोरी टेक्निक इज ट्रेड एट फेयर प्राइस. अब ट्रेड एट फेयर प्राइस में ट्रेड कवर हो गया, एट ए कवर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, फेयर प्राइस में फेयर प्राइस कवर हो गया, इंक्रीजेस कवर हो गया डिमांड एंड प्रॉफिट. तो डिमांड एंड ए ऑक्सिलरी सर्विसेज हो गया आपका एंड प्रॉफिट इज ओनली फॉर दी क्रिएटिंग दिस सेंटेंस. ओके सो क्लियर है आपका ये. नाउ सम डिफरेंसेस गिवन बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स. फर्स्ट वन मीनिंग पता है हमें, ट्रेड में सिर्फ क्या होता है, परचेज एंड सेल हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड कॉमर्स इज रिलेट टू इट्स इंक्लूड्स द ऑक्सिलरीज ऑफ सर्विसेज टू. स्कोप हमें पता है ट्रेड का लिमिटेड ही होगा, लेकिन कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो वाइडर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी ऑफ सर्विसेज भी इंक्लूड है. एंड लास्ट इज पार्टीज. तो बोथ पार्टीज आर मोस्टली नोन टू ईच अदर. किसके अंदर, ट्रेड में हम एक दूसरे को जानेंगे, लेकिन कॉमर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती हो, क्योंकि डिस्टेंट में भी ये सर्विसेज ली जा सकती है और दी जा सकती है. ओके सो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमने यहाँ पे देखे. क्लियर. नाउ ट्रेड हमने देख लिया, कॉमर्स देख लिया. नाउ लास्ट वन दैट इज इंडस्ट्री. When we say that this is industry, जब हम बोलते हैं कि रॉ मटीरियल्स को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, दैट इज इंडस्ट्री. अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल्स इन टू फिनिश गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर. कस्टमर को मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूँ उसके अंदर और एडिशन करके उसे बोला जाता है इंडस्ट्री. कॉटन को अगर मैंने क्लोथिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट, वुड से हमने फर्नीचर क्रिएट कर दिया, तो ये सिर्फ क्या है, रॉ मटेरियल को कन्वर्जन करना, दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री. नाउ अब इंडस्ट्री को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया इसका थ्री पार्ट्स में, दैट इज प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी. प्राइमरी का बोला जाता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स लैंड, सी, एयर, इनसे कनेक्टेड है तो हम उसे बोलते हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री है. अब जैसे लैंड में एग्रीकल्चर हो रहा है, राइट, जैसे एग्जाम्पल दिया प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. तो अब जब वीट का प्रोडक्शन कोई फार्मर कर रहा है तो उस केस में उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. जब बोलते हैं स्टार्टिंग लेवल पे जब होता है तो होता है प्राइमरी, जो नेचुरल रिसोर्स से क्रिएट होगा. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. अब जब आपने वहां पे वीट का प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब जब आप वीट को और कंज्यूमेबल कन्वर्ट करोगे तो वीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में, राइट, ये क्रिएट हो जाएगा अपना फ्लावर के अंदर. तो उस केस के अंदर उसे क्या बोला जाएगा, दैट इट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर फ्रॉम दी वीट. एंड नेक्स्ट इज टर्शियरी. टर्शियरी में क्या हो जाएगा, जब हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसको आप और कंज्यूमेबल क्रिएट करना चाहते हो. जैसे यहाँ पे आपका फ्लावर क्रिएट हुआ, उससे आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रेड या फिर बिस्किट्स का प्रोडक्शन किया. वी ऑल नो कि बिस्किट्स किससे बनते हैं, हमें पता ही है, दैट इज फिनिश फ्लावर, राइट. तो वही चीज होगी, ब्रेड और ये सब हमने प्रोडक्शन किया तो इसे बोला जाएगा टर्शियरी इंडस्ट्री. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री हमने देखा ये क्या है, हमने इसका क्लासिफिकेशन रीड आउट कर लिया. सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, दैट इज फर्स्ट चैप्टर. होपफुली आप सबको समझ में आया मेरी मेमोरी टेक्निक्स, आप लोगों को कैसी लगी, क्या आप इससे ज्यादा अच्छे से लर्न कर पा रहे हो. सो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. क्लियर. ओके सो बाय.